राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने चोरों को एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी चोर के पास से चोरी के दो कार, एक ट्रक, ट्रक के छह नग नए टायर, सोना चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। साथ ही चोरी की घटना में इस्तेमाल किए गए गैस कटर और गैस सिलेंडर को भी बरामद किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के वर्धमान नगर के टायर गोदाम से टायरों की चोरी की शिकायत मिली थी। इस मामले में जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने संदेही की पहचान की, जिसमें चोरी की घटना को अपने साथियों के साथ अंजाम देने की बात को कबूल किया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस ने एक अंतर जिला चोर गिरोह का एक पर्दाफाश किया है, जो कि राजनांदगांव जिला के अलावा बालोद जिला, बेमेतरा जिला और खैरागढ़ जिला में विभिन्न चोरी के वारदात में इन लोग शामिल थे। और अभी रिसेंट में कंडेलवाल कॉलोनी में एक टायर की दुकान में लोगों ने एक बड़ी चोरी की थी। इसके अलावा खैरागढ़ के जालबाना में एक कपड़ा दुकान में शटर काट के चोरी की थी, और बेमेतरा में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी, और बालोद में भी इनके द्वारा एक कार चोरी की गई थी। और इनके पास से अभी एक अल्टो कार, एक इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त एक स्वराज माजदा गाड़ी भी बरामद की गई है। इसके अलावा गैस कटर वगैरह भी बरामद की गई है।